हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज की इस वीडियो में हम अपनी वही पुरानी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कलर पैटर्न का, जिसमें हम बेसिकली कुछ ट्रेड प्लेस आउट करेंगे एंड उसी बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड कलर पैटर्न गाइस मल्टीपल टाइप के होते हैं। मैं सब कुछ यूट्यूब पे सब कुछ रिवील नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको रिवील करके यहाँ पे ट्रेड करूंगा, जिसको देख करके आप सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कलर पैटर्न को ऑलवेज स्टॉक मार्केट में यूज करा जाता है, जहाँ पे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही ज्यादा रेंज कर रही होती है, स्टक रहती है, फंसी रहती है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ इस तरह के मार्केट फाइंड आउट करने हैं एंड वहीं पर आपको ट्रेड करना है। फिलहाल मैंने टाइम फ्रेम 30 सेकंड का रख रखा है, आप चाहो तो 1 मिनट में ट्रेड करो, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए कम टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ, ताकि अगर लॉसेस लगते हैं या प्रॉफिट होते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो कंटिन्यू हो जाए, वीडियो उतनी लंबी ना बने। तो जैसे मार्केट यहाँ भी स्टक है, अच्छा खासा मार्केट है, और ये ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट और सब पे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का, फिर मैं आपको बताता हूँ अगर लॉस होगा तो ये 1 स्टेप के साथ 100% विन हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है, व्हाट इफ अगर ये लॉस होती है तो हम इसको कैसे रिकवर करेंगे। हम मार्टिंगल लेंगे सेम डायरेक्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट में कलर पैटर्न का क्रिएशन होता है। जब भी मार्केट में क्या होती है, अगर आप गौर करो कि जब भी मार्केट में दो सेम कलर की कैंडल, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट है, छोटा सा गौर से देखो। पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट को रिकवरी करता हूँ, अगर लॉस होता है तो फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब एज टू मी, ये एक 100% शॉर्ट ट्रेड है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो गाइस, मार्केट में कलर पैटर्न का फॉर्म, जब भी मार्केट स्टक रहेगी तो दो कलर के कैंडल का फॉर्मेशन जरूर होगा। देखो, दो रेड या फिर दो ग्रीन, फिर दो रेड या दो ग्रीन। तो मार्केट में जब भी दो दो कलर, सेम कलर के कैंडल का फॉर्मेशन होगा स्टक मार्केट में, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कलर की दो कैंडल थी तो एक कैंडल रिवर्स कर गई। अब उसके बाद गौर से देखोगे तो दो सेम कलर की ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद मार्केट को रिवर्स करना था, जो कि वो रिकवरी नहीं कर पाई। इसलिए हमने कहा यहाँ पे ट्रेड करा था रिवर्सल के लिए 1 स्टेप मार्टेंगल के साथ, एंड ये हमारा शॉर्ट शॉट हो चुका है, ठीक है। तो चलो गाइस, हम कुछ और नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। आप थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, 1 सेकंड वेट करना। गाइस हम वीडियो में दोबारा आ चुके हैं एंड हम फिर से वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ऐसे ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जहाँ पे कलर पैटर्न वर्किंग होगा, एंड जो भी मुझे कलर पैटर्न मार्केट में विजुअल होगा उसी बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। जैसा कि हमें यहाँ दिख गया था कुछ देर पहले एंड हमने ट्रेड करा था, हमारा विन हो गया था। अब ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे एंड देन ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हो कॉल डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं लगा रहा हूँ ट्रेड, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया, बट कोई नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो 1 स्टेप मार्टेंगल से हम कवर करेंगे। लॉजिक वही है, जब भी मार्केट स्टक होती है तो वहां पर एक कैंडल, दो कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करे। आप गौर के देखोगे तो दो रेड कैंडल है, फिर एक रिवर्सल हुआ है, फिर दो रेड कैंडल है, फिर एक रिवर्सल हुआ है, फिर दो रेड कैंडल आई है, तो फिर एक कैंडल रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। और गाइस, मार्केट में बहुत सारे कलर पैटर्न होते हैं, लाइक करीबन 8 से 10 कलर पैटर्न होते हैं, एंड मैं सब कुछ यूट्यूब वीडियो पर रिवील नहीं कर सकता हूं, नहीं तो फिर उस चीज की वैल्यू नहीं रह जाएगी। एंड ये सब कुछ मैंने अपने पेड कोर्स में सिखाया है। सो अगर आपको मेरा कोर्स परचेज करना है एंड बेसिक टू एडवांस का ट्रेडिंग सीखना है, तो टेलीग्राम पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो एंड ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो और सारा का सारा कलर पैटर्न सीख सकते हो। तो मैंने बहुत सारे कलर पैटर्न बताए, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कहीं और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो ट्रेड करते हैं। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप बाइनरी ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा लॉसेस करके परेशान हो चुके हो तो आप मेरा VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करके न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम $10 से $20 का डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने के बाद अपनी कोटेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे एंड आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा, जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओ तब तक का, ठीक है। तो जिनको भी कहीं VIP में ऐड होना होगा, लॉस रिकवरी करना होगा या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना होगा, वो आ जाना टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलो कुछ कहीं और अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे अगर सेल की एंट्री लगा रहे थोड़ा और ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है और अगर ये लॉस होती है तो 1 स्टेप मार्टेंगल लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मार्केट में एक और कलर पैटर्न फॉर्मेशन होता है जो आपको भी आता होगा, वो होता है एक रेड ग्रीन पैटर्न होता है, रेड ग्रीन, तो अगली कैंडल को रेड होना है। अगर वो नहीं होता है तो 1 स्टेप मार्टेंगल के साथ दो ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 1 स्टेप मार्टेंगल के साथ दो ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लगा दिया है, व्हाट इफ अगर ये भी लॉस हो जाता है तो हम जो भी रियलिटी होगा वो आपके सामने होगा। अगर लॉस हो जाएगा तो मैं दूसरे पेयर में जाऊंगा एंड डेफिनेटली उसको रिकवर करूंगा, बिकॉज क्या होता है गाइस, लॉसेस सबके होते हैं,
चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी 100% नहीं होता है, प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, आपको टाइम दे करके उस चीज को मास्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी के लिए प्राइस एक्शन काम करता है, किसी के लिए कोई स्ट्रैटेजी काम करती है, किसी के लिए कोई कलर पैटर्न काम करता है, तो आपको देखना आपके लिए कहाँ क्या काम कर रहा है। देखो आज आपके सामने ही लॉस हुआ था, मैंने इसको रिकवर कर लिया, एक और लास्ट ट्रेड करेंगे फिर हम गाइस मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो चलो गाइस कुछ ऐसा स्टॉक मार्केट फाइंड करते हैं जहाँ पे हमारा कलर पैटर्न काम कर रहा हो, फिर उस पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, माइनर तौर पे मार्केट यहाँ पे करेक्शन वेव में है और अगली अपॉर्चुनिटी सेलिंग की आ सकती है। वही पुराना फॉर्मेशन, बैक टू बैक दो कैंडल के बाद एक रिवर्सल आती है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो हमने कहा यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है, अगर ये लॉस हो जाएगी तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा तो सेशन को एंड करेंगे, और एंट्री पॉइंट से भी अगर विन हो जाता है तो हम यहाँ पे सेशन को एंड कर देंगे। बट मेरे हिसाब से सेलिंग कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस क्या होता है, लास्ट ट्रेड है और देखते हैं क्या होता है। और गाइस जिनको भी वीडियो पसंद आ रही है गाइस, वो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर देख सकते हो ये भी शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। तो गाइस जिनको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स अकाउंट का लिंक है, जाकर के चेकआउट कर लेना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज स्टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट।